नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ महीने से आपने एक चीज नोटिस की होगी, 4G स्मार्टफोन जो है वो काफी ज्यादा सस्ते हो रहे हैं। जैसे कि स्पेशली पोको कंपनी के स्मार्टफोन तो काफी ज्यादा प्राइस ड्रॉप कर लिए हैं, जिसमें पोको M5 को ही ले लीजिए दोस्तों। 10-11 हजार रुपए की रेंज का स्मार्टफोन आज के टाइम में आपको मिल रहा है मात्र 8,499 रुपए का, और पोको C55 7,500 रुपए का हो गया है, और पोको C51 जो कि लगभग 7,500 रुपए का था वो आज की डेट में 6,500 रुपए में आपको मिल रहा है। दोस्तों, मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको एक चीज जरूर बताई होगी कि आज के टाइम में हमें 4GB रैम या 64GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलने वाला ही स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, उससे कम रैम स्टोरेज वाला फोन परचेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक्चुअली आज की डेट में जो 32GB का स्टोरेज है वो कुछ भी नहीं है, 10-12 दिन में फुल हो जाता है और आपको नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं कि आपका स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल है, कुछ डाटा डिलीट कीजिए, जिससे फोन काफी ज्यादा लैग करता है। तो दोस्तों, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको एक सस्ता स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि हर कोई 8-10 हजार रुपए का मोबाइल परचेज नहीं कर पाता। कई दोस्तों को सस्ती रेंज में एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए होता है कि जिसमें स्टोरेज भी आपको अच्छा मिल जाए और रैम भी अच्छी मिल जाए, प्रोसेसर भी ठीक ठाक मिल जाए। लेकिन दोस्तों, पोको C51 आज के टाइम में आप इस स्मार्टफोन को मात्र 5,999 रुपए में खरीद सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, एयरटेल एक्सक्लूसिव, एक एयरटेल के साथ कोलैब करके यहां पर पोको C51 को लॉन्च किया गया है मात्र 6,000 रुपए की रेंज में। बस इसमें एक शर्त होगी दोस्तों, इस पर आपको 18 महीने तक सिर्फ और सिर्फ एयरटेल का सिम रखना पड़ेगा फर्स्ट स्लॉट पर, अदरवाइज फोन लॉक हो जाएगा और आप फोन का यूज नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपके यहाँ एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छा पकड़ता है तो आप इस फोन को परचेस कर सकते हो। इसमें दो सिम स्लॉट मिलेंगे, पहले सिम स्लॉट में सिर्फ और सिर्फ एयरटेल का सिम लगेगा, दूसरे में आप कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन इंटरनेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एयरटेल से चलेगा, और आपको हर महीने 200 रुपए से ऊपर का ही रिचार्ज कराना पड़ेगा, 199 रुपए का भी करा सकते हैं दोस्तों। 18 महीने तक आपको इसके काफी सारे बेनिफिट भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इसी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या इसमें खास दिया गया है और कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए 6,000 रुपए के अंदर। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है पोको C51 जो कि येलो कलर के बॉक्स में पैक होकर आता है, मेड इन इंडिया यहाँ पर मेंशन है और बैक साइड में हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। जल्दी से इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉक्स कंटेंट में हमें क्या क्या दिया गया है। बॉक्स जैसे ही आप ओपन करोगे तो सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन ही रखा हुआ मिलेगा, इसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको चार्जर अडेप्टर और USB केबल मिलती है दोस्तों। ये 10 वोल्ट का नॉर्मल सा चार्जर है, 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिलती है, और इसके बाद आपको एक USB केबल मिलती है जो है टाइप A2 माइक्रो USB। केबल की लेंथ और क्वालिटी नॉर्मल ठीक ठाक ही आपको मिल जाती है प्राइस के हिसाब से। लास्ट में आपको क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैनुअल दिए गए हैं, कवर आपको इसके साथ अलग से परचेज करना पड़ेगा। के बाद आते हैं स्मार्टफोन पर, तो स्मार्टफोन का जो लुक है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ड्रॉप नोज डिस्प्ले मिलती है आपको, इस पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी नहीं दिया गया है। इन एंड फील अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है हाथ में, और बैक साइड में प्लास्टिक बॉडी मिलती है। करीब से देखें तो यहाँ पर आपको लेदर फिनिशिंग मिलती है दोस्तों, जिस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, ग्रिप अच्छी बन जाएगी। फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है दोस्तों आपको 6,000 रुपए की रेंज के अंदर। बाकी डुअल कैमरा दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा तो 8 मेगापिक्सल का है, दूसरा आपको एक डेप्थ सेंसर कैमरा मिलता है 0.08 मेगापिक्सल का। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। चलिए दोस्तों, बैकग्राउंड में काफी लाउड म्यूजिक चल रहा है, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, तो प्लीज दोस्तों एडजस्ट कर लेना। मोबाइल के राइट साइड में आपको पावर ऑन की जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल को फिट किया गया है नीचे से निकाल के ऊपर की साइड। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, जहां पर आप 2 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। मोबाइल के बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। फ्रेंड्स, मोबाइल को हमने फुली इंस्टॉल कर लिया है, सबसे पहले तो इसकी ब्राइटनेस जो है इसे 100% ऑलरेडी हो रखी है दोस्तों। तो डिस्प्ले में आपको काफी अच्छे कलर्स और ब्राइटनेस मिल जाती है, 400 nits तक की पीक ब्राइटनेस आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाती है। आउटडोर भी आप इजीली उपयोग कर सकते हो, हालांकि कड़ी धूप रहेगी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मोबाइल के एज और बेजल्स देखिए, कॉर्नर और ऊपर से तो पतले पतले, लेकिन नीचे चिन बहुत ज्यादा दी गई है। स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे, ज्यादा कोई फालतू प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन नहीं दिए गए हैं, सारे के सारे गूगल की ओर से यूजफुल एप्लीकेशन ही आपको मिलती है। 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 6.52 इंच की HD+ IPS LCD आपको इसमें मिलती है, जिसका
एस्पेक्ट रेशो है 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की आपको इसमें मिलती है। मोबाइल की हाइट है 165.9 mm, विड्थ है इसकी 76.7 mm, थिकनेस है 9 mm की और इसका वेट है 192 ग्राम। इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। चलिए दोस्तों सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। सेटिंग का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपके सामने खुलेगा, जहां पर आपको सारे के सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। स्टोरेज में जाके देखें तो इसमें आपको 64 GB का स्टोरेज मिलता है, जिसमें से लगभग 11 GB स्टोरेज तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। बाकी दोस्तों यहां पर हम नीचे आए तो अबाउट फोन सेक्शन दिख जाता है। अबाउट फोन सेक्शन के अंदर ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन आपको नजर नहीं आएगी। एंड्रॉइड 13 गो एडिशन आपको इसमें दिया गया है। प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज यहां कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपको 2.2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है और चिपसेट मीडियाटेक हीलियो Z36 का दिया गया है, जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। पावर VRG8320 के ग्राफिक आपको इसमें मिलते हैं। 4 GB रैम प्लस 3 GB टर्बो रैम भी मिल जाती है, यानी कि वर्चुअल रैम का सपोर्ट इस स्मार्टफोन में भी आपको दिया गया है। 7 GB तक रैम ले जा सकते हैं आप इस स्मार्टफोन की। बाकी रैम टाइप LPDDR4X, 64 GB का जो स्टोरेज है उसको आप बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं 1 TB तक। और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का आपको इसमें दिया गया है। दोस्तों एक छोटी सी नजर इसके कैमरा पर डालते हैं, तो कैमरा को हम नॉर्मल मोड में ओपन कर लेते हैं। जो भी परमिशन मांगे अलाउ कर दीजिए ताकि कैमरा अच्छे से ओपन हो जाए। तो कैमरा में आपको मिलता है 4x तक का जूम सपोर्ट और कैमरा क्लैरिटी मुझे प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया लगी। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको एक अच्छा कलरफुल कैमरा मिल जाता है, ये देखिए दोस्तों। तो पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है, बैकग्राउंड अगर आपको ब्लर चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। शॉर्ट मूवी टाइम लैप्स का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। वहीं पर फ्रंट कैमरा देखें तो इसका 5 MP का फ्रंट कैमरा एक एवरेज मिल जाता है आपको। वीडियो कॉलिंग के लिए तो बहुत बढ़िया कैमरा है, जिसमें जूम सपोर्ट तो आपको नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा बहुत सेल्फी भी ले लेते हो तो ठीक ठाक सेल्फी आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको एक कैप्चर करके दिखा देते हैं, तो ये हमने यहाँ पर इससे सेल्फी ली है, तो देख सकते हैं कुछ ऐसी सेल्फी इस कैमरा से आपको मिलेगी। और वीडियो मोड में आप 1080p में 30 fps तक या 720p में 30 fps तक में वीडियो शूट कर सकते हैं इस स्मार्टफोन से। तो दोस्तों मात्र 5,999 रुपए का ये स्मार्टफोन मिलेगा अगर आप इस पर एयरटेल का सिम यूज करते हो फर्स्ट स्लॉट पर। तो कैसा लगा आपको 6,000 रुपए की रेंज में पोको C51 का ये स्मार्टफोन? क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे? और दोस्तों अगर आप फर्स्ट स्लॉट पर कोई सा भी सिम लगाना चाहते हैं तो बस आपको 500 रुपए ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। 6,500 रुपए में भी आपको यही स्मार्टफोन मिल जाएगा, कोई अंतर नहीं है। बस 6,000 वाला एयरटेल के साथ लॉक्ड है, उस पर आपको एयरटेल की सारी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। और जो 500 रुपए ऊपर खर्च करके 6,500 रुपए में परचेज कर रहे हो, उस पर आपको कोई टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। कोई सा भी सिम आप कब भी लगा सकते हैं और किसी भी सिम पर आप इंटरनेट चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।